गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह मैं उठी हूँ अभी बेड से और उठ के देख रही हूँ ये सीधे टॉयज से खेलते खेलते ये लड़का उससे खेलना शुरू कर देता है और उसको ऐसे समझे कि थोड़ी देर तो खेलेगा, थोड़ी देर सह लेता है, फिर वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि ये इतना इरिटेट कर देता है शमशेरा को, इतना इरिटेट कर देता है, ये लड़ता रहता है भाई शमशेरा से। जब देखो तब उसका हाथ काट, देखो हाथ काटेगा, पैर काटेगा, उसके कान काटेगा। वो अभी शमशेरा अभी भी ये सोच रहा है कि भाई मेरे से मत खेल, टॉयज से खेलते हैं, आ जा। पूरा जर्मन शेफर्ड को देखो क्या बनाए रहता है ये हस्की, कैसे उल्टा फैला रखा है उसको, देखो कैसे काट रहा है उसको गर्दन में। देख पकड़ा उसका कान, जान खाता रहता है शमशेरा की, और कुछ नहीं। बहुत ही मस्ती खोर हो गया ये सम्राट, बहुत ही मस्ती खोर। उठाओ उठा मेरा जर्मन शेफर्ड, उठा अब इसकी ऐसी की तैसी। ला भाग गया, अपनी बारी में ऐसे भाग जाता है ये, इतना चालाक है। इसको जैसे ही लगता है शमशेरा उठ गया ना, देखो 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 भागा, और शमशेरा कुछ कर भी नहीं रहा, शमशेरा सिर्फ उसकी तरफ देख रहा है तब तक कि वो भाग जाता है। ले तो ऊपर मत आ, बचने के लिए मेरे पास मत आ, नीचे उतर, अपनी बारी में जैसे नीचे था उधर नीचे उतर, नीचे उतर, आ जा। जैसे वो उठा तो तू बचने के लिए मेरे पास आ रहा है, चाली भोली जी चूरत दिखा के मेरे पास आता है, मुझसे मत लड़ सम्राट, मैं उल्टा थप्पड़ भी लगाऊंगी अगर एक भी दांत लग गया तो। भागो यहाँ से। दोनों बच्चों को दिया है सुबह का खाना, सुबह के खाने में आज है कद्दू, चिकन और राइस। इसके तो नखरे होंगे ही खाने में गाइस, आप लोगों को पता ही है, लेकिन वहाँ कोई नखरे नहीं होते। वो लड़का ऐसा है, जैसे ही उसको पता चलता है कि किचन में ना बर्तन की आवाज़ आ गई, जिस भी कोने में होगा भागता हुआ आता है और सीधे किचन में बैठ जाता है। अरे वाह, कद्दू खाया शमशेरा ने, खाओ खाओ, और भी कद्दू है भाई उसमें, गुड बॉय शमशेरू, चलो खा रहा है, इसको खाने देती हूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो खाना छोड़ देगा ये लड़का। साथ ही मेरी बन रही है चाय यहाँ पे, और देखो पहले मैं चाय बनाने आई थी तो सम्राट को लगा था कि मम्मा शायद खाना दे रही है, भागता हुआ आया, मैंने कहा रुक जा, भाग यहाँ से बोला तो भाग गया। फिर जैसे ही उसने अपने बर्तन की आवाज़ सुनी, फिर तो आप भाग बोलो कुछ भी बोलो यही फैल जाता है किचन में, ऐसे फैलता है कि आप उठा भी नहीं सकते और भगा भी नहीं सकते उसके बाद। फिर जब तक वो खाना खा के नहीं जाता तब तक किचन से बाहर नहीं जाता। शाबाश, जल्दी भागो, चलो पहले कौन, शमशेरा, शमशेरा, सम्राट उसको भाग, यार ये लड़का ना उसको भागने नहीं देता, देखो कैसे नोचता है उसको, ये नहीं कि भाग लो, भालू हो गया, भाग भाग मोटा, हाय भागा भागा भागा, जल्दी भाग, कम शमशेरा कम, जल्दी आ, भाग क्या भाग क्या भाग क्या, छोड़ दे इसको, देखती हूँ भालू को, चलो भालू रह गया ना पीछे, रह गया ना खरगोश के बच्चे, शमशेरा चलो और भागने आ जाओ, शमशेरो आज पहली बार सम्राट भाग रहा है, पहली बार, और शमशेरा से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये चमत्कार कैसे हो गया। ए तो काट मत बस उसको भाई, उसके कान के बाल खा गया ये लड़के नोच नोच के, सम्राट चलो वापस, पत्थर फेंक रही हूँ, चलो भागो शमशेरा, चलो जाओ भागो, भागा भागा भागा। ये इतना आलस करता है सम्राट भागने में, इतना चालाक है, आलस करता है ये, देखो कैसे उसके पाँव नोचता है सम्राट। जब ये दोनों पार्क की तरफ जा रहे होते हैं ऐसे, घर को आते समय देखो कितने धीरे से चल रहे हैं, थक गया शमशेरा। मामा की पुचकीस, क्या कर रही थी पुचकीस, वॉक करा के लेके आई हूँ इन दोनों को, उसके बाद मैं चली गई थी बैडमिंटन खेलने, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बैडमिंटन खेलना मैंने बंद कर दिया था, और
क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई थी यहाँ पे, तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। कल परसों से जब से बारिश हुई यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो गया, तो मैं गई थी सीधा बैडमिंटन खेलने। और मेरे बच्चों ने कोई शैतानी नहीं करी हुई है मेरे घर आने तक, मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के, क्योंकि थके पड़े थे तो रेस्ट कर रहे थे शायद। मैं तो मार दूँ का गोला तो मार दूँ, क्या किया तूने? अल्लाह खैर मम्मा मैं थक गया, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मॉम क्या चाहिए? शमशेरा नोनू क्या चाहिए? बिट्टू क्या हुआ? सम्राट तो अभी तक थका पड़ा है वॉक करके, तू तब से रेस्ट कर रहा है। मम्मा बैडमिंटन खेल के भी आ गई है, तू तब से ही थका पड़ा है। झा झूठे, या तो कुछ कांड किया होगा तूने, कांड तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। भैया को पानी की प्यास लग गई। शमशेरा ए शमशेरा, तेरे को रात में भूखू कहाँ से लगती है इतनी जोर से? ये कौन सी वाली भूखू लगती है तुझे रात में हैं? और एक ये है, ये तो सारा दिन ही भूखू लगी रहती है। शमशेरा आप लोगों ने देखा होगा सुबह का खाना खाने में ड्रामा करता है, दोपहर के में भी लगभग उसके ड्रामे ही रहते, रात का खाना पता नहीं भाई इसको लगता है मैं कितने लोगों का खाना खा जाऊँ, पेट ही नहीं भरता इस लड़के का रात के खाने में। अब दोनों ने खाना खा लिया है, खूब मस्ती भी कर ली है, बाहर भी घूम आए हैं। अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मैंने भी खाना खा लिया है और अब सोते हैं। तो जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही बनाए रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइज़।